अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है चैप्टर, हम लोग 2 शुरू करेंगे और इसका जो पहला टॉपिक है वो है शहरियत। बाब दोम, शहरियत, हकूक और फ़राइज़। और पहला टॉपिक क्या था, शहरियत का मफहूम, अच्छी शहरियत के औसाफ, पाकिस्तान की शहरियत का हसूल और सलब होना। तो जैसा कि आप लोग को बताया था कि शहरियत इज़ बेसिकली सिविक्स। सिविक्स को उर्दू में शहरियत और अरबी में मदनियत कहा जाता है। तो आज का लेक्चर हमारा 3 स्लाइड्स पर मुश्तमिल होगा, जिसमें हम सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्टडी करेंगे इसका, फिर हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे और एंड में पाकिस्तान में शहरियत के असूल के हवाले से जो लॉ है उसको हम पढ़ेंगे। ये एक पीडीएफ है, आप लोगों से शेयर कर ली जाएगी। इसमें शहरियत के हवाले से तमाम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रो दिया गया है। तो इसको हम स्टडी करते हैं, सिविक्स बेसिकली है क्या। सिविक्स की जो सिविक्स को अगर हम स्टडी करें तो ये हमें कदीम यूनानी कदीम यूनान में जाके इसकी तारीख मिलती है। अफलातून, अरस्तु और बुकरात, इनके ज़माने में भी 160 के करीब रास्ते मौजूद थी। एग्जैक्टली इन्होंने बताया हुआ है 158 रियासतें मौजूद थी। ये शहरी रियासतें सिटी स्टेट्स कहलाती थी। इसी तरह दी रिपब्लिक और पॉलिटिक्स के नाम से इस पर किताब भी लिखी गई है। और अगर हम इन किताब में पढ़ें तो इसमें पॉलिटिक्स के हवाले से, हुकूमत कैसी होनी चाहिए, शहरी कैसे होने चाहिए, वहाँ का नज़्म व नस्क कैसा होना चाहिए, स्ट्रीट कैसी होनी चाहिए, इनका इन डेप्थ मुताला है। क्योंकि सर्विस की इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि ये सब्जेक्ट सोशल साइंस की बहुत सी फील्ड के करीब है, और बेसिकली अगर कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है तो उसमें भी सिविक्स के हवाले से ही उसको पढ़ाया जाता है। इसके अगर हम मीनिंग की बात करें तो सिविक्स 2 लातीनी अल्फाज सिविस और सिविटास से अखज किया गया है, ठीक है, जिसके मायने हैं शहर और शहरी। अरबी में इसको मदीना कहते हैं, मदनियत, मदीना जो जैसे मदीना तो रसूल, मदीना मुनव्वरा है ना, तो उसको कहा भी इसीलिए जाता है कि वो नबी सल्लम का सिटी था, तो मदीना शहर कहते हैं, शहर रसूल। इसी तरह अगर कोई अरबी किसी भी शहर का जिक्र करता है तो उसके साथ मदीना का लफ्ज़ लगाता है। जैसे अगर वो दुबई की बात करेगा तो कहेगा मदीना, मदीनतुल दुबई, ठीक है। तो कदीम यूनानी यूनान में रियासत के बाशिंदों में से जिनको हकूक़ हासिल थे वो रियासती अमूर में बराह रास्त हिस्सा लेते थे। क्योंकि उस वक्त रियासतें कम थी, लिमिटेड थी, तो उस हिसाब से इसमें एवोल्यूशन आता रहा बतरतीब। वक्त के साथ साथ रियासतों की आबादी बढ़ी तो जमहूरी आज़ादी और मजावात के तसव्वुरात परवान चढ़े और बराह रास्त अमूर में हिस्सा लेने का तरीक़ा नाकाबिल अमल बन गया। जब शहरियों की तादाद लाखों और करोड़ों में हो गई तो मजबूरन बराह रास्त जमहूरियत की जगह बिलवास्ता जमहूरियत ने ले ली। आज भी शहरी रियासत के मुताले को अपनी मर्जी से चलाने का हक रखते हैं, लेकिन अब वो इस हक का इस्तेमाल अपने नुमाइंदों के ज़रिए करते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर कोई शख्स पार्लियामेंट में जाता है तो वो बेसिकली अवामी नुमाइंदा होता है, तो वो हुकूमत अवाम ही कर रही होती है, अवाम ने अपने नुमाइंदे भेजे होते हैं, हल्के बनते हैं ना हर इलाके के, तो बेसिकली वो उस इलाके का रिप्रेजेंटेटिव होता है जो उस तमाम इलाके के लोगों की तर्जुमानी कर रहा होता है। तो जमहूरियत का मतलब ही ये है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल। तो जमहूरी निज़ाम में मतलब ये होता है कि अवाम ही हुकूमत होती है और जो लोग उनको पार्लियामेंट में बैठे होते हैं अमाइंदी अवामी नुमाइंदे होते हैं, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव जिन्हें कहते हैं। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें 3 डेफिनेशंस
बहुत मशहूर हैं। और चौथी एक पाकिस्तानी थे डॉक्टर के अजीज, जिनकी एक बहुत मशहूर किताब भी गुजरी है, द मर्डर ऑफ हिस्ट्री। एफ जे गोल्ड कहता है, इल्म शहरियत इन इदारों, आदात, सरगर्मियों और जज्बात का मुताला करता है जिनकी बदौलत हर फर्द, चाहे वो मर्द हो या औरत, अपने फ़राइज़ अदा कर सके और किसी सियासी तंजीम की रुकनियत से फ़ायदा हासिल करे। इसी तरह ई एम वाइट कहता है कि इल्म शहरियत इंसानी इल्म का वो मुफीद शोबा है जिसमें शहरी ज़िंदगी के हर पहलू का मुताला किया जाता है, हाँ इसका ताल्लुक माजी, हाल और मुस्तकबिल से हो या मकामी, कौमी और बैन अलाक़वामी मालूमात से। तो सिविक्स में बेसिकली आप सिटी को स्टेट कर रहे होते हो, और सिटी के अंदर क्योंकि इंसान रहते हैं तो आप सबको स्टडी करते हैं, तो उसमें एक एक चीज़ जो है वो एक यूनिट के तौर पे स्टडी की जाती है। इसी तरह प्रोफेसर पैट्रिक गैडी, इल्म उनकी बहुत मुख्तसर सी डेफिनेशन है कि इल्म शहरियत शहरी ज़िंदगी और उससे मुताल्लिक मसाइल का इल्म है, और यही इसकी एक सबसे जामी डेफिनेशन भी है। के अजीज़ साहब कहते हैं कि इल्म शहरियत माशरे में अफराद और उनके इदारों का मुताला है जिनका एक फ़र्द पैदाइशी रुकन होता है या अपनी मर्ज़ी से इनकी रुकनियत अख्तियार करता है। इसके नेचर्स के बारे में पढ़ते हैं। नेचर का पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है, अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप लोग इसकी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ सिर्फ, क्योंकि ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हम बराह रास्त टॉपिक पर आएंगे अपने नेचर और सिविक्स के हवाले से। इसने एक पहली पहल भी किया, ये साइंस है या फ़न है, तो बताया गया साइंस है तो क्यों है। इसी तरह अगर ये इसको आर्ट या फ़न कहा जाता है तो वो क्यों है। सिग्निफिकेंस, इसकी अहमियत क्या है कि हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों इतनी अहमियत है इसकी आज के दौर में, क्यों ये सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ाया जा रहा है बैचलर्स लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर क्यों पढ़ाया जा रहा है। ये कहता है कि इल्म शहरियत की अहमियत और अफादियत में बतदरीज इजाफा हुआ है, ये माशरती इलम गुज़श्ता 2 सदियों बिलखसूस तेज़ी से परवान चढ़ा है। इंसान की ज़िंदगी में इस इल्म की बदौलत बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं और बेहतर से बेहतर माहौल की तख्लीक में मुसलसल अपना किरदार अदा कर रहा है। इसको पढ़ने का मकसद बेसिकली ये है कि इंसान अपने आप को, अपनी सोसाइटी को, उसकी माजी को भी पढ़े, हाल को भी दे, और इसको मद्देनज़र रखते हुए मुस्तकबिल के बेहतरीन फैसले कर सके, क्योंकि हमारे तमाम मसाइल का हल जो है वो पॉलिटिकल सॉल्यूशन के तहत ही होता है। इसमें इसने कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं जिनका मैं आप लोग को टॉपिक बता देता हूँ, साथ में आप लोग इसको ओवरव्यू कर लेगा। इसमें समाजी इकदार का फ़रोग है, नंबर 2 में किरदार की तामीर है कि कैसे इंसान का करेक्टर बिल्ड होता है, मकबूलियत में इजाफा ये किस तरह कह रहा है कि इल्म शहरियत इज्तमाही तौर पर पूरे माशरे की अहम ज़रूरत है। वालदैन अपनी औलाद की बेहतर तरबियत के लिए इल्म शहरियत को पसंद करने लगे हैं, और तलबा और तलबात की कसीर तादाद मजमून की अफादियत और अहमियत को जानते हुए इसे शौक़ से पढ़ने लगी है। इसकी अफादियत बताइए इसने कि चूँकि इसमें माशरे को जिक्र किया जा रहा है, शहर को, शहरीत को पसंद किया जा रहा है, शहरीों को को स्टडी किया जा रहा है, तो इसलिए इसकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, क्योंकि इसमें इंसान बराह रास्त अपने आप को स्टडी कर रहा होता है। इसी तरह इसने बताया है कि वफादारियों का सही तनासब है, हकूक और फ़राइज़ को जिक्र किया है, जमहूरियत की कामयाबी इससे मंसूब की है, और सिविक्स के ज़रिए मसाइल से आगाही मिलती है, इक्तसादी बहबूद, इक्तसादी हमारी इकनॉमिकल डेवलपमेंट होती है, इसमें कौमी सियासत का इदराक होता है, और आलमी सतह पर इसकी हिफाजत बताई है कि ना सिर्फ ये मकामी है बल्कि चूँकि नेशनल स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है तो दुनिया में जितनी भी स्टेट्स हैं वो सब अपने अपने आप को पढ़ेंगी या दूसरों को पढ़ेंगी, तो एक आलमी अफादियत इससे जन्म लेगी। रिलेशन ऑफ सिविक्स विद अदर सोशल साइंस, ये भी हमारे पढ़ने की चीज़ नहीं है लेकिन शौक में पढ़ा जा सकता है इसको, तो इसको जिसको पढ़ना हो वो पढ़ सकता है। इसको मुख्तलिफ उलूम के साथ कंपेयर किया गया, इसमें शहरियत और सियासत के साथ है कि सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस में मुमासलत क्या है और फ़र्क क्या है। ऊपर 5 पॉइंट्स में इन्होंने सिमिलैरिटीज़ दिखाई हैं और यहाँ से फ़र्क बताया है। इसी तरह हिस्ट्री के साथ कंपेयर किया है इसको, फर्दर इसको इकोनॉमिक्स के साथ कंपेयर किया है, इसकी मुमासलत क्या है और मुशाबत, और उसमें किस तरह ये तब्दील है, मुख्तलिफ भी किस तरह है। इसी तरह सोशोलॉजी से इसको कंपेयर किया है, एथिक्स के साथ कंपेयर किया है, ये सब बातें आपको मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताई थी, तो ये चैप्टर इसका यहाँ पे क्लोज कर दिया गया है। स्लाइड पे हम आते हैं अपनी। हमने
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के बारे में पढ़ा, करेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा, अब पाकिस्तान में सिविक्स की क्या अहमियत है, पाकिस्तान इसको हम स्टडी करते हैं। शहरियत का मफहूम हमने पढ़ लिया, अच्छी शहरियत के औसाफ पढ़ लिए, करेक्टरिस्टिक्स हमने इसकी पढ़ ली थी। अब पाकिस्तान की शहरियत का हसूल और सलब होना, ये वो चीज़ है जिससे शायद बींग अ पाकिस्तानी लोगों को इतना वास्ता ना पड़ा हो, लेकिन ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में जो अफगान रेफ्यूजीज रह रहे हैं या बांग्लादेश के जो लोग रह रहे हैं उनको इससे बहुत वास्ता पड़ता है, और वही शायद हमसे भी बेहतर जानते हैं चीज़ों के बारे में कि पाकिस्तान की शहरियत के लिए कुछ उसूल हैं और कुछ जाब्ते हैं। और इसी तरह सलब भी हो जाती है अगर कुछ सर्टेन क्राइटेरिया हैं जो कि 1951 के लॉ में डिफाइन किए गए हैं। तो इस हवाले से आप लोगों ये देखें, पाकिस्तानी नेशनलिटी लॉ है, ये सिटीजनशिप रूल्स हैं जो कि 1951 में पब्लिश हुई थी, 6 फरवरी 1951, और इसको कहा जाता है पाकिस्तान सिटीजनशिप रूल्स 1952। इसके बारे में पूरी शिक्के मौजूद हैं, ये बहुत तवील है, इसको पढ़ना बिल्कुल बेकार है। इसको मैं आपको समराइज करूंगा कि क्या कहते हैं इसमें। इसने शुरू में जिस तरह से जो भी लॉ होता है उसकी शॉर्ट टाइटल होती है, डेफिनेशन होती है, ये कब से नाफिज़ अल अमल है और किस किस पर इसका अहाता होता है, वो सब जिक्र है इसमें। कुल देख लेते हैं कितनी शिक्के हैं इसमें, कुल 30 शिक्के, और 30 शिक्कों के अलावा शेड्यूल हैं कुछ 27 के करीब, अपेंडिक्स फॉर्म, अपेंडिक्स फॉर्म भी काफ़ी तवील है इसके। बहरहाल इसको हम आसान करके समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानी नेशनलिटी लॉ कहता क्या है। द पाकिस्तानी नेशनलिटी लॉ गवर्न सिटीजनशिप ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। द प्रिंसिपल लेजिस्लेशन डिटरमाइनिंग नेशनलिटी द पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट वॉज पास्ड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 13 अप्रैल 1951। 13 अप्रैल 1951 को यानी लियाकत अली खान के ज़माने में, क्योंकि 16 अक्टूबर 1951 को उनका मर्डर हो गया था, उनको शहीद कर दिया गया था, तो 13 अप्रैल 1951 को उनकी कैबिनेट में पास किया गया। और ये जो बात ये कहता है इसको समझ लें कि पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री इन एशिया विथ अनकंडीशनल जुस सॉली सिटीजनशिप राइट्स, कि एशिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो अनकंडीशनल ऑफर करती है जुस सॉली। जुस सॉली क्या होता है कि इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉइल, ब्राइट राइट सिटीजनशिप, कि जो भी इस मिट्टी में पैदा हुआ वो इस मिट्टी का शहरी है। एशिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो ये लॉ देता है, और ये किसी मुल्क में नहीं है, इंडिया में भी नहीं है। आपको पता है जो लोग सऊदी अरब में जाते हैं, दुबई में जाते हैं, मिडल ईस्ट में कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ जो भी पैदा होता है वो वहाँ का शहरी नहीं बन जाता। अमेरिका में ज़रूर ऐसा है, अमेरिका में अगर आप अमेरिका में बॉन्ड हो जाएं तो आप वहाँ के शहरी बन जाते हैं, ठीक इसी तरह पाकिस्तान में भी अगर कोई शहरी यहाँ पे बॉन्ड हो जाए तो उसको पाकिस्तानी शहरियत दी जाती है। मगर इस लॉ को आप पुराना ना समझें, ये लॉ अभी पास किया है इमरान खान की हुकूमत ने, कि जब उन्होंने अफगानी और बांग्लादेश के जो नेशनलिटी के लोग थे उनको 2018 में कहा कि जो लोग यहाँ पैदा हुए हैं उनको हम नेशनलिटी दे रहे हैं, वरना 2018 तक ऐसा कोई लॉ नहीं था, और ये अफगान रेफ्यूजीज जो थे वो अफगानी बन के यहाँ पे रह रहे थे। सिटीजनशिप के बारे में अगर बात करें तो सिटीजनशिप बाय बर्थ, जैसा कि मैंने आपको बताया ये है, सिटीजनशिप बाय डिसेंट, अगर किसी के आबा व अजदाद में से कोई एक पाकिस्तानी है तो वो बंदा पाकिस्तानी नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकता है। सिटीजनशिप बाय माइग्रेशन, माइग्रेशन इस तरह की अगर कोई बंदा अरसे दराज से पाकिस्तान में रह रहा है, मुकीम है, तो अच्छा एक तो 52 से पहले का है कि किसी ने उस वक्त, क्योंकि हिजरत चल रही थी और शहरी मुसलसल तादाद में पाकिस्तान बनने के बाद भी आना जाना कर रहे थे, तो 52 से पहले वालों को तो फ़ौरन दे दी जाती है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई शख्स, जो कि अगले उसमें बता रहा है, पर्सन माइग्रेटिंग फ्रॉम
टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की अगर टेरिटरीज तो बाहर कोई भी नहीं है, जिस तरह दूसरे मुल्कों की आइलैंड्स होते हैं या दूसरे छोटे मोटे शहर होते हैं। तो मगर कोई शख्स पाकिस्तान में अगर मुकीम हो जाए और अरसे दराज उस पर काम कर सके तो उसको सिटीजनशिप दे दी जाती है। जम्मू और कश्मीर वालों को भी पाकिस्तान अपनी सिटीजनशिप करार देता है अगर वो लेना चाहें। अच्छा, ये तो हो गया उसूल। इसकी सलब होने की सिंपल तीन वजूहात हैं, जिसको हम कहते हैं डेप्रीवेशन ऑफ सिटीजनशिप। कैसे इसको सलब कर दिया जाता है? तो ये कहता है, वन में डिप्राइव्ड और स्ट्राइव सिटीजनशिप इफ सिटीजनशिप वॉज ऑब्टेन्ड बाई फॉल्स इंफॉर्मेशन। उसने जो दस्तावेज जमा कराई थी वो सब फेक थी, गलत थी। द पर्सन इन क्वेश्चन हैज़ एक्टेड डिसलॉयल टू द कंट्री। अगर वो अपने मुल्क का गद्दार हो जाए, किसी और मुल्क के साथ अपनी लॉयल्टी शेयर कर ले, तो उसकी नेशनलिटी भी सलब की जा सकती है। इसी तरह, वन हैज़ बीन एंगेजिंग विद द एनिमी ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वॉर। जंग छिड़ गई फ़र्ज़ करें पाकिस्तान की इंडिया के साथ, और कोई शख्स इंडिया को जाके मालूमात दे रहा है या उसके साथ इन्वॉल्व है, तो ऐसे शख्स की भी नेशनलिटी, बल्कि उस पर हाई ट्रीजन का मुकदमा भी चढ़ता है। इसके अलावा कहता है कि सर्टेन पर्सन टू लूज एंड अदर्स टू रिटेन सिटीजनशिप। रिगार्डिंग द टाइम्स बिफोर एंड आफ्टर 16 दिसंबर 1971 एंड पीपल रिजाइडिंग इन वट वॉज प्रीवियसली ईस्ट पाकिस्तान। ये स्पेशली इसने 1971 से के बाद का जिक्र किया है। जैसा कि आपको पता है कि 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बन गया था, जो कि उससे कबल पाकिस्तान का हिस्सा था। उसको मशरिकी पाकिस्तान कहा जाता था, और जो मौजूदा पाकिस्तान है उसको मगरबी पाकिस्तान कहा जाता था। तो उस हवाले से ख़ास लॉ है, और क्योंकि ये लॉ 1951 का है, तो इसको थोड़ा सा अमेंड किया गया है। और वो ये कहता है कि वन इज़ नो लॉन्गर अ सिटीजन इफ़ ही इज शी वॉलेंट्रली रिजाइडिंग और माइग्रेटेड टू द एरिया नाउ नोन एज बांग्लादेश। जो कोई बांग्लादेश चला जाता है अपने पसंद से, तो वो पाकिस्तान का शहरी नहीं रहेगा, फिर वो बांग्लादेश का रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक्सेप्ट कर लिया था। वन इज स्टिल अ सिटीजन इफ ही शी वॉलंटियरली स्टेड और मूव टू वेस्ट पाकिस्तान ऑन 16 दिसंबर 1971। और अगर इसी तरह कोई अगर पाकिस्तान आ जाता है वहाँ से, तो वो भी पाकिस्तानी रहेगा, उसकी नेशनलिटी नहीं रहेगी, चाहे वो उससे पहले बांग्लादेश का शहरी हो, उस जगह रहता हो। डुअल नेशनलिटी पाकिस्तान अलाउ करता है, और आप लोग को पता होगा कि ये सर्टेन कंट्रीज़ हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क वगैरह, यूके, यूएसए, जर्मनी, ये मशहूर मुल्क हैं जो डुअल नेशनलिटी दे देती हैं। जो अपने मुल्क की नेशनलिटी दे देती हैं, डुअल नेशनलिटी सब नहीं देती हैं। डुअल नेशनलिटी में ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम है। जर्मनी डुअल नेशनलिटी नहीं देता। जर्मनी की नेशनलिटी अगर कोई ले ले, तो उसको पाकिस्तानी सरेंडर करनी पड़ती है। ना सिर्फ जर्मनी की, बल्कि यूके के अलावा यूरोप की जितने भी कंट्रीज़ हैं, उनकी नेशनलिटी लेते हुए आपको पाकिस्तानी नेशनलिटी सरेंडर करनी पड़ती है। इसी तरह पाकिस्तान इंडिया के साथ भी है। इंडिया डुअल नेशनलिटी अलाउ करता ही नहीं है सिटीजन्स को। और इसी तरह आप लोगों को पता होगा, जैसे इंडिया का एक्टर है अक्षय कुमार, और उसने कैनेडियन नेशनलिटी ली थी, तो उसको इंडियन नेशनलिटी छोड़नी पड़ी, जिसकी वजह से बड़े कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट हुई, और उसने अब फैसला किया कि वो कैनेडियन नेशनलिटी छोड़ के दोबारा इंडियन नेशनलिटी ले रहे हैं। कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज इन्होंने जिक्र किए हुए हैं, जिसमें 1.5 मिलियन रजिस्टर्ड अफगान रेफ्यूजीज के बारे में, जिनको नेशनलिटी नहीं मिल रही है, और नादरा जिनके लिए बड़ा इशू भी कर रहा है। और इसी हवाले से मैंने आप लोगों से सवाल भी पूछा है, कि जो एंड में क्वेश्चन है कि आप लोग क्या समझते हैं कि जो अफगान और बंगाल के लोग जो रह रहे हैं पाकिस्तान में, NIC बनता है, और अक्सर औकात ये लोग जराइम में मुलव्वस हो जाते हैं, तो क्या इनको नेशनलिटी मिलनी चाहिए या नहीं? और अगर मिल जाएगी तो इससे क्या नुकसान होगा पाकिस्तान को? पाकिस्तान तो ये कहता है कि इससे आबादी बढ़ जाएगी, हमारे पास अपने शहरियों को देने के वसाइल नहीं है। और अगर नहीं मिलती है तो उससे मजीद मसाइल पैदा हो रहे हैं। उनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, तो उनको जॉब्स नहीं मिलती है, तो फिर वो हमें तो सिर्फ बाहर ऐसा लगता है जैसे ये कचरा कुंडी जमा कर रहे हैं, अगर ये बहुत से जराय में भी मुलव्वस हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या आप लोग के ख्याल आते हैं, ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके अलावा
एक ट्रैवल फ्रीडम के हवाले से एक आखिरी बात है इसमें, इसको स्टडी करके आज की क्लास एंड की जाती है कि इन 2021 पाकिस्तानी सिटीजन हैज़ वीज़ा फ्री, वीज़ा ऑन अराइवल और ई वीज़ा अक्रॉस टू 21 कंट्रीज एंड टेरिटरीज। दुनिया भर में पाकिस्तान की जो पासपोर्ट का रैंक है वो 208 है, जो कि बुरा तरीन कंसिडर किया जाता है। कि टोटल रजिस्टर्ड मुल्क 210-11 के करीब है और उसमें 208वें नंबर पे पाकिस्तानी पासपोर्ट है, जो कि बहुत ही बुरा है। और उसकी जाहिर सी कई वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की वीज़े की और पासपोर्ट की इतनी रिस्पेक्ट नहीं है। इसके बावजूद पाकिस्तान 21 ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तान को वीज़ा फ्री और ऑन अराइवल वीज़ा देते हैं। तो वो कौन से हैं, आप लोग स्टडी करेगा, ये मुल्क आगे पीछे बढ़ते रहते हैं। 2021 तक 21 हैं, पिछले साल कुछ ज़्यादा होंगे या कम होंगे। और आज की क्लास को बस एंड किया जाता है। आप लोग जो हैं जो क्वेश्चन पूछा है उसको ज़रूर कमेंट करें, उसी के ज़रिए आप लोग की अटेंडेंस लगेगी। और जो मैंने पीडीएफ में आप लोगों को कुछ चीज़ें स्टडी कराई हैं, अगर आप लोग को रिक्वायर्ड है तो बताएं, मैं उसको शेयर कर देता हूँ। अदरवाइज़ बुक भी आप लोग के लिए काफ़ी है।